सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारे आईफोन XR पे बैटरी ड्रेन टेस्ट। और ये बैटरी ड्रेन टेस्ट मैं करूंगा iOS 17 पे। और आप लोग को पता ही होगा कि iOS 17 आ चुका है और हमारा एक नया अपडेट भी आ चुका है iOS 17 का, iOS 17.0.1। और ये अपडेट कुछ आया है हमारा बग फिक्सेस के लिए, मतलब बहुत सारे जो ग्लिचेस हो रहे थे iOS 17 पे उन सबको खत्म करने के लिए एप्पल ने ये अपडेट पुश किया है। और ये एक सिक्योरिटी अपडेट है जो कि सबको करना चाहिए ऐसा एप्पल बोलता है। तो मैंने ये अपडेट कर लिया है अपने आईपैड पे और अपने आईफोन पे भी, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाई थी अपडेट आने से पहले। तो ये वीडियो रहेगी हमारी पूरी iOS 17 के बैटरी ड्रेन टेस्ट की। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, तो जो ये नया अपडेट आया है 17.0.1 का, ये अपडेट iPhone 15 सीरीज को नहीं मिला है। iPhone 14 Pro Max तक जितने भी iPhones है iOS 17 डिवाइसेज उन सबको ये अपडेट मिला है। तो सब लोग जरूर चेक कर लेना ये अपडेट, मैं तो यही बोलूंगा। एंड आप लोग को मैं अभी बता भी देता हूँ कि मैं कैसे करूंगा बैटरी ड्रेन टेस्ट। तो मैं 100% से लेके 0% तक खेलूंगा BGMI, और आधे घंटे बाद, फिर एक घंटे बाद, फिर दो घंटे बाद, और जब हमारी बैटरी आ जाएगी 1% पे तब मैं आपको बैटरी दिखाऊंगा और टाइम दिखाऊंगा प्रूफ के लिए। और आप लोग यहाँ पे बैटरी हेल्थ भी देख सकते हो, 81% मेरे आईफोन XR की बैटरी हेल्थ है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 100% मेरे आईफोन XR की बैटरी हो रही है, और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 10:24 हो रहे हैं। तो अभी खेलना शुरू करते हैं अपने iOS 17 पे बैटरी टेस्ट शुरू करते हैं। और अगर आपको कहीं पे भी लैग दिखेगा तो नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। एंड आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। तो गाइस यहाँ तक खेलते हुए मेरे को आधा घंटा कंप्लीट हो जाता है। और अभी आप लोग यहाँ पे बैटरी देख सकते हो 83% पे हमारी बैटरी आ चुकी है, और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 10:55 हो रही है, यानी कि 10:55 हो रहे हैं। और यानी कि हमको खेलते हुए यहाँ पे एग्जैक्ट आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। और इन 30 मिनट्स में जो कि हमारी बैटरी गई है वो गई है यहाँ पे 17% iOS 17 पे हमारे आईफोन XR पे। तो देखा जाए तो बैटरी यहाँ पे हमारी पहले जैसी ही चल रही है, इतनी बैटरी हमारी ड्रेन होती है आधे घंटे में 30 मिनट्स में BGMI। तो यहाँ पे पहले आधे घंटे में बैटरी बैकअप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। एंड अगर अभी मैं बात करूँ लैग वगैरह की, फ्रेम ड्रॉप वगैरह की, हीटिंग वगैरह की, तो लैग तो मेरे को बिल्कुल भी देखने नहीं मिला पहले आधे घंटे में, पहले 30 मिनट्स में। लेकिन मेरे को यहाँ पे हल्का सा फ्रेम ड्रॉप देखने मिला था हॉट ड्रॉप पे, और मेरे को यहाँ पे पहली बार आधे घंटे में iOS 17 पे फ्रेम ड्रॉप देखने मिला। आज से पहले मेरे को एक बार भी फ्रेम ड्रॉप देखने नहीं मिला पहले आधे घंटे में iOS 17 पे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी आगे गेम प्ले करते हैं और देखते हैं कि अब हमारा गेम प्ले कैसा होता है, फ्रेम ड्रॉप होता है या फिर नहीं होता, लैग होता है या फिर नहीं होता। एंड हीटिंग वगैरह तो मेरे को देखने नहीं मिली थी पहले आधे घंटे में। तो आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। Wasting time, yeah, I wanna run off and fly.
तो गाइस यहाँ तक खेलते खेलते हमको एक घंटा कंप्लीट हो जाता है और अभी आप लोग यहाँ पे बैटरी पे देख सकते हो 63% पे हमारी बैटरी आ चुकी है और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 11:25 हो रही है, यानी कि मेरे को खेलते हुए एक घंटा कंप्लीट हो चुका है। और इस एक घंटे में जो कि हमारी बैटरी गई है बीच मई में iOS 17 पे, वो गई है यहाँ पे 37%। तो देखा जाए तो बैटरी यहाँ पे हमारी काफी बढ़िया चल रही है पहले एक घंटे में, और नॉर्मली भी हमारी इतनी बैटरी ड्रेन होती है 36% से लेके 42% के बीच में हमारी बैटरी ड्रेन होती है पहले एक घंटे में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी बैटरी काफी बढ़िया चल रही है पहले एक घंटे में, और बैटरी हेल्थ यहाँ पे देखा जाए बैटरी हेल्थ के हिसाब से तो बैटरी हेल्थ के हिसाब से भी बढ़िया चल रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लैग वगैरह की कि पहले एक घंटे में मेरे को लैग देखने मिला या फिर नहीं मिला, तो मेरे को खेलते हुए कुछ यहाँ पे 40-45 मिनट हो गए थे और तब मेरे को यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप देखने मिला था। फ्रेम ड्रॉप भी नहीं, एकदम से अटक गया था हमारा फोन, और आपको मैंने वो क्लिप दिखाई ही हॉट ड्रॉप की, वो क्लिप थी जहाँ पे मैंने 1v2 किया था शायद से, और वहाँ पे हमारा BGMI अचानक से 1 सेकंड के लिए 1.5 सेकंड के लिए अटक गया था बिल्कुल। तो वो बड़ा गंदा लैग मेरे को देखने मिला था पहले एक घंटे में, एंड उसके बाद मेरे को एक बार भी कहीं भी फ्रेम ड्रॉप वगैरह उतना देखने नहीं मिला। एक दो बार मेरे को फ्रेम ड्रॉप देखने मिले उसके बाद भी, बट वो मेरे को गेम प्ले में कोई भी इफेक्ट नहीं किए, मैं गेम प्ले बहुत ही आराम से कर पा रहा था। तो अभी आगे गेम प्ले करते हैं और देखते हैं कि अब हमारा गेम प्ले कैसा होता है, लैग होता है और या फिर नहीं होता। मेरे को लग तो रहा है कि अब और ज्यादा लैग होगा, तो आगे देखते हैं एंड आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you were thinking that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call. तो गाइस यहाँ तक खेलते हुए मेरे को 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं और अभी आप लोग यहाँ पे बैटरी देख सकते हो 21% पे हमारी बैटरी आ चुकी है, और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 12:26 हो रही है, यानी कि मेरे को खेलते हुए यहाँ पे 2 घंटे एग्जैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 2 घंटे और 2 मिनट मेरे को हो चुके हैं BGMI खेलते हुए iOS 17 पे, और iOS 17 पे 2 घंटे में जो कि हमारी बैटरी गई है वो गई है यहाँ पे 79%। तो देखा जाए तो बैटरी यहाँ पे हमारी पहले जैसी ही चल रही है जितनी हमारी iOS 16 पे चलती थी 2 घंटे में। iOS 16 पे भी हमारी इतनी बैटरी ड्रेन होती थी 75% से लेके 82% के बीच में, और अब भी हमारी बैटरी उतनी ही ड्रेन हो रही है। तो देखा जाए तो बैटरी पे यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, बैटरी बैकअप हमको उतना ही देखने मिल रहा है जितना पहले देखने मिलता था, और अगर बैटरी हेल्थ के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बैटरी हेल्थ के हिसाब से भी बिल्कुल सही हमारी बैटरी चल रही है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है बैटरी बैकअप में। और अगर अभी मैं बात करूँ लैग वगैरह की, तो लैग वगैरह भी मेरे को काफी देखने मिल रहा था, फ्रेम ड्रॉप भी मेरे को काफी देखने मिला। और मैं अगर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं अपना, तो जब से मैंने अपना iOS 17 किया है तब से यहाँ पे मेरे को इतना लैग कभी भी देखने नहीं मिला आज तक जितना मेरे को आज देखने मिला। तो ये दिक्कत यहाँ पे पता नहीं आज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को हीटिंग उतनी देखने नहीं मिल रही थी कि काफी ज्यादा हीट कर रहा हो हमारा iPhone XR, और उस वजह से मेरा XR लैग हो रहा हो, तो हीटिंग मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी देखने नहीं मिल रही थी मेरे iPhone XR पे। एंड अब आगे गेम प्ले करते हैं, और अब तो मेरे को लग रहा है कि काफी ज्यादा लैग होगा, क्योंकि जब भी हमारी बैटरी 20% से नीचे आ जाती है तब हमारा काफी लैग होता है। तो अभी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखना एंड आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। Flow like water, so I'm going mainstream.
no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. तो गाइस फाइनली यहाँ पे हमारी बैटरी आ चुकी है 1% पे और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1:02 हो रहे हैं, यानी कि मेरे को खेलते हुए यहाँ पे 2 घंटे और लगभग 40 मिनट हो चुके हैं खेलते हुए, और इतने देर में हमारी बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी है। पूरी 100% बैटरी हमारी जा चुकी है 2 घंटे और 40 मिनट में हमारे iOS 17 पे, iPhone XR में, BGMI में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैटरी बैकअप तो हमको पहले जैसा ही देखने मिल रहा है, जैसा कि iOS 16 पे देखने मिलता था, उतना ही यहाँ पे हमको iOS 17 पे भी देखने मिल रहा है। पहले भी हमारी इतनी बैटरी चलती थी 2 घंटे और 40 मिनट के आसपास, और अब भी हमारी बैटरी उतनी ही चल रही है iOS 17 पे। तो बैटरी बैकअप में यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, उतना ही बैटरी बैकअप आपको देखने मिलेगा जितना पहले देखने मिलता था। और अगर अभी मैं बात करूँ लैग वगैरह की, फ्रेम ड्रॉप वगैरह की, हीटिंग वगैरह की, तो लैग तो आपको दिख ही गया होगा कि कितना ज्यादा यहाँ पे लैग हुआ था जब हमारी बैटरी आ गई थी 11% पे, और मैंने वो आपको क्लिप भी दिखाई कि कितना ज्यादा लैग हुआ था जैसे ही मैं वहाँ पे हॉट ड्रॉप पे उतरा था, और वहाँ पे इतना लैग हो रहा था ना, इतना लैग हो रहा था मुश्किल से वहाँ पे 5 FPS 10 FPS आ रहा होगा। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपकी बैटरी 20% के आसपास आ जाए तो फोन को रख दिया करो, गेम मत खेला करो फिर। और अब सारा रिजल्ट आपके सामने है कि कैसा हमको बैटरी बैकअप देखने मिल रहा है iOS 17 पे और कैसा हमारा BGMI चल रहा है। एंड आपको और कौन से टेस्ट देखने हैं मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताओ, मैं वो वाली टेस्ट भी बना दूंगा। एंड यही था आज की हमारी इस वाली वीडियो में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।